ये वाला जो एयर वेंट क्लीनर जो है ना, बहुत अच्छा काम किया। देखो इसके अंदर का पूरा डर्ट को देखो निकाल रहा है, ये देखो। चल जिमी नहाने चलते हैं, चल जिमी जा, जिमी चल नहाएंगे, आजा तेरे को नहलाता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो अभी मैं जिमी को नहलाने जा रहा हूँ, बहुत टाइम से जिमी नहाया नहीं है, वो बेचारा उसको नहला भी नहीं सकता ज़्यादा। तो अभी मैं क्या है, उसका एज हो चुका है बोल के ना उसको डॉक्टर ने मना किया कि ज़्यादा मत नहलाना करके, क्योंकि उसके पैरों में ना प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहला नहीं सकता। लेकिन अब बहुत गंदा हो गया भाई, धूल वूल लगते रहता ना, इस वजह से मैं उसको अभी नहलाने जा रहा हूँ, और इसको नहलाऊंगा, फिर उसके बाद जिम स्कूबी को नहलाऊंगा, हमारा स्कूबी महान को भी नहलाना है। तो इन दोनों को नहलाने के बाद हमारे जो गाड़ी है, मेरा जो कार है, उसका जो ब्लोअर है ना, ब्लोअर के अंदर में पूरा ना पत्ते गिरा हुआ है, तो वो पत्तों को ना मेरे को निकालना है। तो कोशिश करूँगा कि ब्लोअर खोल के उसमें से पत्ते निकालूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे खोलना है करके। अगर वो ऐसा खुल जाता है और उसमें से पत्ते निकालने को मिल जाएगा तो फिर मैं सारे पत्ते निकालूंगा, फिर उसके बाद जो मैं एसी वेंट क्लीनर जो रहता है ना, वो वेंट क्लीनर से ना मैं पूरा उसके अंदर में जो धूल लगा है वो पूरा क्लीन करूंगा, और उसका पूरा एकदम क्लीन करके साफ़ करूंगा। वरना क्या होता है, मतलब जब भी गाड़ी चलाता हूँ, जहाँ से भी झटका लग गया, मतलब झटका लगता है ना गाड़ी में, तुरंत वो वेंट के अंदर से ना पूरा धूल जो जितना उसके अंदर में इकट्ठा हुआ था सब बाहर फेंका जाता है ब्लोअर के थ्रू। तो उससे क्या ना बहुत गंदा होता है, मतलब सामने में पीछे में बैठने वाले लोगों को और मेरे को सबके ऊपर में ना पूरा धूल उड़ जाता है और आंखों में भी पूरा धूल चले जाता है। तो इसलिए क्या है, वो उसको भी क्लीन करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को नहलाऊंगा, फिर उसके बाद कार का जो क्लीनिंग करना है वो काम करूंगा। तो चलो भाई अपन चालू करते हैं एक एक काम। फाइनली मैंने जिम्मी और स्कूबी दोनों को नहला दिया हूँ। जिम्मी और स्कूबी को नहलाना सबसे बड़ा टास्क, जिम्मी को नहलाना इसीलिए टास्क है भाई, क्योंकि ना जिम्मी का पैर में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ना वो खड़े नहीं हो पाता ज़्यादा देर तक, तो उसको जो है ना लेटा मतलब वहाँ पर बिठा के ही नहलाना पड़ता है, और एक तरफ से दूसरे तरफ पलटाने में और हालत कस्ती हो जाता है मेरा, और वो उठता भी नहीं है, ढीठ बरोबर बढ़ जाता है। और स्कूबी को पानी पसंद नहीं आता है तो मुश्किल से नहाता है, स्कूबी को नहलाने की कोशिश करो तो फिर बीच में क्या छटपटाना चालू कर देता है, इसलिए उसको प्यार से नहलाना पड़ता है, और उसके चेहरे की तरफ में पानी ज़रा सा भी आ गया तो छटपटाना चालू हो जाता है, जैसे उसको घबराहट होने लग जाती है, तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो इन दोनों को नहलाना बहुत बड़ा टास्क होता है, इसलिए बहुत मुश्किल से मैं ना हफ्ते दो हफ्ते में नहलाने की कोशिश करता हूँ। खैर जो अपना स्कूबी है उसको तो कभी भी अपन नहला सकते, लेकिन जिम्मी को जो है ना महीने में एक या दो बार नहला सकते, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार नहलाओ करके डॉक्टर ने बोला, इसलिए एक ही बार नहलाता हूँ। और उसके अलावा क्या है, उसको ना कोशिश करता हूँ कि भैया पोंछ के रखने का, बाकी अभी तो मैंने नहला दिया हूँ, अब डेली के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, डेटॉल का जो लिक्विड रहता है उसे ना अपन पोंछते रहेंगे ताकि उसके ऊपर ना गंदगी ना बैठे। और अब चलो हमारा ये जो चटाई वगैरह जो जिम्मी को भी सोने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाला चटाई को भी धो दिया है हमने, और उनका जो टॉवल जिससे अपन उनको पोंछा है उसको भी धो लिया हूँ, और यहाँ पूरा साफ़ सफाई हो चुका है। अब मैं इन लोगों को दोनों को ऐसे ही सूखने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ड्रायर से इन लोग सूखना नहीं पसंद करता है, जहाँ ड्रायर चलाया भागना चालू करता है। तो अब ये नॉर्मल पंखे के नीचे में बैठ के जितना सूख सकता है सूखने देते हैं, तब तक जो है ना मैं भी नहा धो के निकल जाता हूँ, क्योंकि स्कूबी को नहलाते टाइम ना स्कूबी मेरे को खुद पानी से पूरा नहला दिया है, अब मेरे को नहाना पड़ेगा कपड़े वपड़े चेंज करके, तो अब मैं नहाऊँगा। और ये देखो बैठा हुआ दिख रहा है कैसा बदमाश बैठा है,
अब मैं अपना नहाऊंगा, उसके बाद जो है ना गाड़ी का जो मेरे को काम करना है वो करना चालू करता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग जो है अपना कार का जो ब्लोअर है ना उसको खोलते हैं और उसका ना साफ़ सफाई करते हैं, उसके अंदर जितना भी पत्ता फंसा हुआ है ना उसको निकालने की कोशिश करता है। अब वो ब्लोअर खोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ है क्योंकि वो जिस जगह पे ब्लोअर फिट है ना वहाँ पे वायरिंग का जो हार्नेस है पूरा जो है ना एकदम गुच्छा बना हुआ है, तो वो गुच्छे के बीच में से कैसे निकाल पाऊँगा पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि उसको निकाल करके ब्लोअर के अंदर में जितना भी पत्ता फंसा हुआ है सब बाहर निकाल दूँ और उसके बाद जो है ना उसमें से क्या बोलते हैं ब्लोअर को भी एक बार क्लीन करने के लिए बाहर निकाल लेंगे अपन, ताकि ब्लोअर भी क्लीन हो जाएगा और पत्ते तो निकालना ही है। और ये पत्ते निकालने का अपन क्या करेंगे मालूम है, क्या बोलते हैं अपना जो वेंट क्लीनर जो रहता है एसी वेंट क्लीनर है उसका भी इस्तेमाल करेंगे अपन। तो चलो अब गाड़ी का ब्लोअर को क्लीन करते हैं, पहले उसमें से पत्ते निकालते हैं, कोशिश करके देखता हूँ खुल जाए तो अच्छी बात है, ट्राई तो करूँगा भाई। और इसको खोलना भी थोड़ा रिस्की है मालूम है, कंझट वाला काम है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ब्लोअर खोलने में क्या तकलीफ़ है करके। ये देखो ये जो हार्नेस दिख रहा है आपको, ये हार्नेस के चक्कर में अपन जो है ना इधर पे आके इसको खोल नहीं सकता। अब ये है ब्लोअर, ये दिख रहा है ये ब्लोअर है, इसको खोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ है। अब हम ट्राई करके देखेंगे खुल जाए तो अच्छी बात है ना। तो अभी भाई मैं ये ब्लोअर खोल दिया हूँ, ये है ब्लोअर। अब देखो इसके अंदर में धूल लगा हुआ दिख रहा है, अभी अपन इसको वॉश करके लाते हैं ठीक है। अब इसको खोलने के लिए एक और पाना लगेगा मुझे, तो उससे मैं ना इसको खोल देता हूँ और इसका जो लीफ है इसको एक बार वॉश कर लेंगे। अब उसके अंदर में ना इसको घुसाने में बहुत दिक्कत कर रहा है, क्या है मैंने एक बार हार्नेस को ना बंधवा दिया था। खैर जो भी, अभी अपन इसको खोल दिया तो इसको अपन पहले साफ़ कर लेते हैं है ना, और थोड़ा बहुत ऑयलिंग वगैरह करके इसको क्लीन कर लेते हैं अपन ठीक। तो भाई ये वाला पाने से, ये 11 नंबर और 10 नंबर का पाना है, 10-11 का पाना है, इसे अपन ने ये वाला बोल्ट जो है ना इसको जो है ना खोल दिया अपन ने ठीक है। अब इसको साफ़ करते हैं, ये देखो इसमें से धूल गिर रहा है, देखो इधर पूरा धूल ही है, ये देखो। भाई साहब मैं आप लोग को धूल दिखा रहा हूँ, ये देखो इसके अंदर का जो डस्ट दिख रहा है, ये देखो ये डस्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा इसके अंदर का डस्ट है। अब इसको अपने को साफ करना पड़ेगा, ये देखो। पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने साफ़ कर दिया है। अब हमारे को जो क्लीन करना है वो है ये जो इसका जो मोटर है इसको क्लीन करना है। अब इसमें से धूल हटाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह कर लेते हैं अपन, और उसके बाद जो है ना अपना जो पूरा मोटर का किट है इसको वापस फिट करेंगे और उसके बाद हम अपना गाड़ी में इसको फिट कर देते हैं। चलिए इसको भी एक बार साफ़ कर लेते हैं। We'll be right back.
भाई ब्लोवर उसमें फ़िट कर दिया हूँ, ये देख रहा पसीना पसीना। उस ब्लोवर को इतना से छोटा सा एक चीज़ को फिट करने में इतना तकलीफ़ होता है ना कि आधे से ज़्यादा बोतल तो पानी पी लेता हूँ मैं, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है भाई। वो हार्नेस जो है ना एकदम इधर बंधा हुआ रहता है ना एकदम नज़दीक में, उसमें से कुछ अपन ना लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है। देखो मेरा हाथ तक देखो छिला गया है, छोटा सा एरिया है भाई, छोटा सा एरिया, ज़्यादा है ही नहीं उसमें जगह जिसमें मैं इसको अच्छे से कुछ कर पाऊँ। अब चलो अपन जो है ना एसी का जो वेंट क्लीनर जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं और उसका जो जितना भी डस्ट है उसको पूरा निकालते हैं उसके अंदर से, है ना। देखो अब ब्लोवर साफ़ हो गया अपना, ब्लोवर क्लीन हो गया, ब्लोवर में जो लोड बढ़ रहा था धूल की वजह से वो हट गया है। अब वेंट के अंदर में जितना भी डस्ट है वो इससे निकल जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे ये झाग झाग बना के ना पूरा उसके अंदर में जो है ना पूरा फॉर्म फॉर्म बना के उसमें से डस्ट को पूरा अंदर नीचे बिठा देता है। तो भाई ऐसा एक पाइप है इसमें मिलता है, देखो इसका इसका पाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये सामने में देखो इसमें ना छोटे छोटे छेद है, तो ये हर जगह से ना ये जो वॉल्व है ना ये वॉल्व से ना हर जगह से इसका झाग जो है इसके अंदर से जो झाग निकलेगा इस बॉटल से वो स्प्रे होके इसके अंदर में ये जैसे ये पाइप ऐसे घुस जाएगा ना अंदर में पूरा चला जाता है। और फिर ये इसको अपन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसको अपन यहाँ कनेक्ट करेंगे उसके बाद इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। इसका ये जो लॉक है ये खोलना पड़ेगा, ये खोल दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इसके अंदर में अपन वेंट के अंदर में ये पाइप को डालते हैं और ये पाइप को ना पूरा अंदर तक डालना है मेरे को, ये देखो। अब ये कैमरा पकड़ते हुए करने में ना मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट लगे, ये देखो ये देखो ये पूरा अपन ने डाल दिया। अब इसमें झाग करते हैं, ये देखो दिख रहा है ये निकला पहला। हाँ अब अपन करते हैं इधर वाले में, इधर वाला जो वेंट है ना इसमें अपन डालते हैं। अब इसको अपन पूरा लेके चले गया, ठीक है। बॉडी पे भी लग गया। अब इस वाले ये दोनों वेंट तो एक ही है तो इसमें दो अलग अलग डायरेक्शन में बस दिया हुआ है, इसको और थोड़ा सा डाल देते हैं अपन इसके अंदर में। देखो भाई अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, है ना। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा छोड़ देंगे उसके बाद क्या होगा इसमें से निकल जाएगा ये पूरा जो डस्ट है ना वो निकल जाएगा। अब देखो इसमें से पूरा डस्ट दिख रहा है आपको, ये देखो डस्ट निकलता हुआ, ये देखो यहाँ पे डस्ट दिख रहा है काला काला काला, ये देखो डस्ट निकल रहा है ना, ये देखो इन सब जगह से डस्ट निकल रहा है, ये हो गया ये हो गया, ये देखो इधर से पूरा डस्ट निकल रहा है ना। एसी वेंट क्लीनर जो है हमने स्प्रे करके इसके अंदर में डाल दिया है। सामने वाला जो वेंट है ये जो सामने वाला वेंट है उसमें भी हमने डाल दिया है, जहाँ से एयर जो है ना सक्शन होता है तो एयर सक जहाँ से करता है वहाँ से भी अपन ने जो है ना इसको वेंट को जो है ना अपन ने क्या बोलते हैं क्लीन करने के लिए डाल दिया। अब अपन क्या करते हैं इस ब्लोवर को जो है ना चालू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्लोवर कैसे काम करेगा करके। अभी बाकी सारे वेंट अपन ने बंद कर दिया, अब अपन ब्लोवर को चालू करते हैं, ये देखो दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना ये गंदगी निकल रहा है, ये देखो पूरा बाहर निकल रहा है, दिख रहा है। अब देखो खैर ये तो पूरा गाड़ी को खराब कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसको मैं क्लीन करूंगा, लेकिन इसके अंदर का जो डर्ट निकल रहा है ना वो देखिए आप गंदगी देख रहे हो कितना निकल रहा है। अब अपन इस तरफ का निकालते हैं, ये देखो इधर का जो डर्ट है उसको निकाल रहे हैं, ये देखो पकड़ लेंगे अपन इसको ऐसा। ये वाला जो एयर वेंट क्लीनर जो है ना बहुत अच्छा काम किया, देखो इसके अंदर का पूरा डर्ट को देखो निकाल रहा है, देखो पूरा डर्ट जो है ना निकला है इसमें से, ये बहुत अच्छा काम किया, पिछले वाले से भी ज़्यादा अच्छा काम किया ये वाला वेंट क्लीनर। तो भाई मेरा गाड़ी का जो एसी वेंट क्लीन करने का जो काम था और ब्लोअर जो क्लीन करने का काम था वो तो हो गया है, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब लोग टेक केयर एंड बाय, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।